करूं सतगुरु चरण पार लगाओ नैया पार लगाओ दया सिंधु सतगुरु मेरे स्वामी दया सिंधु सतगुरु मेरे स्वामी दया चीजों की अलग अलग बाजी बताए तो जो कोई भूल गया हो वो आपस में अगल बगल पूछ करके याद कर ले, बाजा कौन कहाँ का है, किस धाम का क्या नाम है, कहाँ पर क्या है, ये आत्ममंचन होना ही चाहिए। अगर ये आत्ममंचन नहीं होगा
तो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर होगा। तो प्रेमियों आत्ममंचन बहुत जरूरी है। आत्ममंचन बराबर होता रहे, सदगुरु की दया कृपा बरसती रहे, आप ऊपर चलते रहो। देखो प्रभु राम का देश है, प्रभु राम के देश में चलो, वहाँ दर्शन प्रसन्न करो, अद्भुत अलौकिक देखो। उसके बाद ब्रह्म के यहाँ चलो, ब्रह्म की रचना को देखो, अद्भुत अलौकिक जो है अवर्णीय, जो वर्णन करने में नहीं आती। फिर पार ब्रह्म पर चलो, पार ब्रह्म पर चलने के बाद पार ब्रह्म की रचना को देखो। इन रचनाओं को देखते हुए महाकाल पुरुष धनी के यहाँ चलो, वहां की रचना देखो। फिर सद्धाम चलो, वहां की रचना देखो। मतलब धीरे धीरे करके पांचों स्थान पे, पांचवे स्थान पे आपको पहुंचना है। तो जब सुमिरन ध्यान भजन करोगे, गुरु में मन लगाओगे, चलते चलोगे, तभी तो देखोगे। तो प्रेमियों ये परम आवश्यक है, यहाँ आए हो तो बैठो और लगन मगन हो करके इनसे उनसे इधर से उधर से पूछ करके पांच करके कैसे भी करके अपना काम करो। ये नहीं है कि नहीं जानकारी हुई, नहीं पूछ सके, क्या क्या करें भैया जी, तो कुछ बताते नहीं। अरे इतने लोग हो, एक एक को पकड़ के बैठूंगा तो 3 दिन लगेगा, इसलिए मुँह से बताते हैं। तमाम प्रेमी इसमें जानते हैं, भैया जरा हमको बिठाओ, भैया जरा हमारा ये काम करवाओ, तो इस तरह तुम्हारा काम बन जाएगा। और काम बन जाएगा तो तुम्हारा सुमिरन ध्यान भजन बन जाएगा। जब सुमिरन ध्यान भजन बन जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। प्रेमियों नवरात्र का कार्यक्रम पूरा हो गया, निर्विघ्न निष्कंसक। अब आप लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान कर भी चुके हैं, जो दो चार हैं करेंगे, आप बुलाएंगे। मालिक की दया मेहर रही, स्वास्थ्य सही रहा तो जरूर आएंगे। अब आप लोग कामना करेंगे कि भैया जी का भी स्वास्थ्य सही रहे, तब तो हम भी आपकी सेवा कर पाएंगे। आप कहेंगे कि भैया जी हमारे समुली गठरिया अपने खोपड़िया पर रख लेती तो ज्यादा अच्छा रहा, तो भैया जी कितनी गठरी रखेंगे? बहुत गठरी है, सब गठरी गुरु महाराज के, जो विष की गागर है ये स्वामी जी महाराज के सामने उनके पास उतार करके रखो। भैया जी से उतना पूछो जितने जीत की जरूरत, इतना मत पूछो, इतना मत पूछो कि जिससे परेशानी हो जाए भैया जी को भी और आपको भी हो। बहुत से लोग आते हैं, जैसे आवरण आ गया तो यहाँ भी आते हैं तो सुमिरन ध्यान भजन नहीं बनता, फिर घर पर जाते हैं तो फिर बनने लगता है। तो प्रेमियों यहाँ तो धुलाई का केंद्र है, यहाँ जब गड़बड़ गड़बड़ किया जाएगा, जैसे आपने शैम्पू सर में लगाया, थोड़ा सा जल डारा, खड़बड़ खड़बड़ किया, इधर उधर मला, तो माँ बहुत सा झाग निकल आता है, निकल आता है कि नहीं निकल आता। उसके बाद में फिर निर्मल पानी डाला, साफ पानी, तो धीरे धीरे 2-4 लोटे 6 लोटे पड़ा तो सारा झाग खत्म हो गया, बार मुलायम हो गया। तो उसी तरह से तो ये भी साबुन है, 5 नाम का साबुन, ये 5 नाम का साबुन और सतगुरु जय गुरुदेव वालों के लिए 1 नाम का साबुन। तो 1 नाम वाले 1 नाम का साबुन से रगड़ना शुरू करो कसके, और 5 नाम वाले 5 नाम को रगड़ो भाई। मतलब रगड़ाई किए बिना काम बनने वाला नहीं है। तो रगड़ते जाओ, जब चलते जाओगे रगड़ते जाओगे तभी काम बनेगा। देखो प्रेमियों आज जगह जगह भंडारे हैं, तुम्हारा तो रोज ही होता था, आज भी हुआ, आगे भी होगा, और आते जाते रहिए और मालिक की दया दुआ लेते रहिए, और मालिक से प्रार्थना करिए कि हम भी सुखी रहें, संसार भी सुखी रहे, हमारा घर परिवार भी सुखी रहे, सभी लोग सुखी रहें, किसी की निंदा आलोचना ना करो। तो प्रेमियों ज़्यादा कुछ मैं बोलूँगा नहीं आज,
एक प्रार्थना और छोटी मोटी आपकी विनय प्रार्थना करते हैं मालिक से। सत्य गुरु जय गुरुदेव, नैना नयान बसो मेरे स्वामी, नैना नयान बसो मेरे स्वामी, जो काल मालय अंदर बैठाए, जो काल मालय सत गुरु मेरे जन्म जन्म के, तुम सत गुरु मेरे जन्म जन्म के, तुमको कोटि नमामि, तुमको कोटि नमामि, नैना नयान बसो मेरे स्वामी, नैनन आन बसो मेरे स्वामी, जो कुछ भूल चूक हो जावे, जो कुछ भूल चूक हो जावे, ओ बिसराओ नामी, वो बिसरा सतगुरु चरण चरण वंदना, सतगुरु चरण चरण वंदना, कोटिन कोटिन नमामि, कोटिन कोटिन नमामि, नैना नयान बसो मेरे स्वामी, नैनन आन बसो मेरे स्वामी।